हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बहुत ही डिफरेंट इंट्रो है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं बाइक पे इंट्रो दे रहा हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हम जा रहे हैं मड फोर्ट, दाना पानी के आगे किलेश्वर करके है, वहाँ पे एक फोर्ट है, बहुत ही अच्छा फोर्ट है, तो उधर जा रहे हैं। और आज फ्राइडे है, सभी को जुमा मुबारक। आई होप आप लोग का दिन अच्छा गया हो और ब्लॉग इंजॉय करेंगे आप आज, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। चला जाएगा मारवे के लिए और ये रास्ता अपना सीधा जाएगा अक्सा के लिए, अक्सा से आगे और क्या है किलेश्वर और भी आगे बहुत सारे बीचेस हैं, तो वहाँ पे चला जाएगा ये रास्ता। हम इंजॉय कर रहे हैं और क्लाइमेट बहुत अच्छा हो गया है यार। मीन्स नमाज के पहले बहुत धूप थी बट नमाज के बाद बहुत ही अच्छा हो गया यार, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, यही चाहते थे, बट बारिश ना हो नहीं तो सारा खराब हो जाएगा। फाइनली हम पहुंच गए मड फोर्ट। क्या नज़ारा है यार, खूबसूरत। ये देखो पीछे फोर्ट है, इधर बहुत सारी चिड़िया उड़ रहा है भाई। मौसम भी काफ़ी अच्छा है भाई आज का। आ जाओ एक बार इधर आ जाओ। ये भाई के साथ आया हूँ मैं, बहुत अंदर है यार, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर। फोटो शूट वूट के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है अंदर, फोटो शूट के लिए अच्छा है। इधर आके टाइम स्पेंड कर सकते हो आप, इधर बोट वोट भी फोटो ठहर कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ तो बोट बहुत आती ना। अच्छा बोट आती है और यहाँ से बैंड्रा का सीलिंग भी दिखता है भाई। और अभी ये पता नहीं है कि ओपन है कि नहीं। ओपन रहना चाहिए, रहना चाहिए। तू आया था लास्ट टाइम तो था। हाँ ओपन था, लास्ट टाइम आया था भाई तो था। अभी देखो वो फॉर द बेस्ट कि ओपन हो, अंदर जाएंगे देखेंगे। बहुत ही अच्छा है यार, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है ये। कैसे कैसे रास्तों से जाना पड़ेगा, बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। भाई आपको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा, आपको रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे अंदर जाने के लिए। चल लोगे ना ऐसे? हाँ हाँ हो जाएगा हमारा। देखो भाई रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, इधर संभाल के चल रहा है सब। चलो इधर आगे सीधा। हाँ चल भाई तू ही आगे चल। ये देखो भाई कहाँ से उधर से हम लोग आए, ऐसा 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 करके ऐसा आए, फिर अभी यहाँ से आ गए। ये देखो भाई क्या रास्ते हैं। सांप वाप निकल जाए। सांप भी निकल जाए इससे पहले हाथ मारते रहो। हाँ हाँ पहले से ही करते रहे, एक डंडा लेना चाहिए था हम लोग को यार, है ना। ये मत डरा भाई, मेरे को बहुत डर लगता है रेप्टाइल्स से। और यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइबर मिले अच्छा लगता है यार, आप लोग जब मिल जाते हो भाई। फाइनली ऊपर पहुँच गए भाई, अपने तो लग गए, लेकिन बहुत खूबसूरत है यार ऊपर तो। अंदर भी जा सकते हैं क्या? पहुंच गया आ गए भाई। ये देखो ये फोर्ट है अपना, जबरदस्त।
देखो एक दरवाजा यहाँ पे है फोर्ट का और एक दरवाजा आगे है। हाँ तो ये तो बंद है, अभी आगे का देखते हैं भाई आगे का कैसा है। मैं आप लोग को बता दूँ कि ये मड फोर्ट वर्सोवा फोर्ट के भी नाम से जाना जाता है और ये किया था पुर्तगीज लोगों ने और 1739 में मराठा एम्पायर से इसको हार गए थे वॉर में, तो इस पर कैप्चर कर लिया था मराठा एम्पायर ने। तब से ये मराठा लोगों का हो गया है, मुंबई का हो गया भाई। बहुत ही खूबसूरत है, बट इधर एक ताला लगा हुआ है, एक ताला उधर लगा है और बहुत बड़े बड़े ताले लगे यार। तो अंदर जाने का कोई चांस मुझे तो नहीं लग रहा है। है कोई चांस? कोई चांस है अंदर जाने का? कुछ भी नहीं है। तोड़ दे भाई। अरे आए थे मेहनत से, आए भाई लग गए अपने, तो सोचा था आप लोग को अंदर दिखाऊंगा कुछ, यार अंदर दिखाने का कुछ है ही नहीं भाई। और इधर आपको फोर्ट मिल जाएगा और इधर पूरा समंदर ही समंदर, काफ़ी अच्छी हवाएं चलती है, आप इधर आके टाइम पास कर सकते हो मड फोर्ट पे। खुलेगा कब वो मुझे नहीं पता भाई। हमने सोचा था कि अगर फोर्ट खुला रहेगा तो अंदर जाके आपको कुछ दिखाऊंगा कि क्या क्या है अंदर, बट खुला ही नहीं है तो क्या दिखाऊं अंदर। दो दो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। ये बहुत ही वीराना सा जगह है यार, तो आप अकेले मत आइए, किसी फ्रेंड वगैरह फ्रेंड सर्कल में ही आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम जन रहते हैं। अभी कुछ जन वहाँ पीछे थे लेकिन वो भी चले गए, अभी हम दोनों ही बचे हैं। और अभी इस फोर्ट के पीछे जा रहे हैं, देखते हैं क्या है पीछे यार। उसके पीछे तो जंगल ही लग रहा है मुझे, ये देखो जंगल जंगल। ना घूम के इधर हो गया, बहुत सारे इधर देखे, पीछे भी गए हम, इधर भी देखा, कुछ टाइम बैठे इधर, बट अंदर जाने को नहीं मिला। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और वहाँ से आगे जाएंगे, चलो देखते। देखो किसी ने मूत्र विसर्जन किया इधर। पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है अंदर से, देखो ना ऊपर भी। क्या बात है, मुझे लगा किसी ने मूत्र विसर्जन किया उधर, बट वो हम बताओ फोर्ट से पानी निकल रहा है भाई, कोई अंदर से मूत्र विसर्जन किया होगा। करता क्या रास्ते है भाई, क्या रास्ते है। बड़ा डेंजरस है भाई। फाइनली यार वो क्रॉस कर गया है भाई, बहुत खतरनाक है वहाँ, कभी भी आना तो वहाँ से आना आराम से आना। ये देखो भाई मिट्टी उट्टी लग गया, गिरने वाला था, बच गया। चलो आ जाओ भाई, मज़ा आ गया, वैसे कार्डियो हो गया भाई इतना थोड़ा सा। अपना मड फोर्ट में घूम के हो गया भाई, बहुत मज़ा आया यार। और लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ गई है भाई, लगता बारिश वारिश होगा इसलिए टाइम से निकल ले रहे हैं यहाँ से। चलो फिर रास्ते में दिखाता हूँ अगर कुछ देखते हैं। हम लोग को बता दूँ यार कि बहुत ही स्कैरी ये मेरा ट्रिप था, किसी में ऊपर से गिरते गिरते बचा, अगर वहाँ से गिरता मैं ना तो मैं खत्म हो जाता सच में। ऊपर से हाँ, जब ऊपर से फिसला मैं, गिरता तो मेरे लग जाते भाई, बैग क्या है वो, कपड़े भी अलग। हाँ कपड़े अलग से, जाली वाली जा, कपड़े भी फटते और मेरी मैयत में आना पड़ता। नमाज काम आ गई नमाज। तो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो, मैंने भी एंजॉय किया बट बच गया मैं थोड़ा सा। तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और नीचे एक अच्छे से कमेंट छोड़ के बताओ यार कि मड आइलैंड आप आए हो कि नहीं आए हो, और कौन सा फोर्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ये फोर्ट अच्छा लगा या कोई और फोर्ट। और नीचे दिया गया लाल बटन,
सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपका ये भाई का ही चैनल है। चलो भाई बाय 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 बाय।